हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें कुछ एग्जांपल देने, जैसे कि उन्होंने पूछा है पॉजिटिव रेडिकल्स। तो पॉजिटिव रेडिकल्स मीन्स जो भी पॉजिटिव रहेगा उसे पॉजिटिव रेडिकल्स बोलते हैं। ओके, दैट इज एन ए प्लस, जैसे सोडियम हो गया ए फी टू प्लस, ए जी प्लस, ए एल थ्री प्लस, सी आर थ्री प्लस, ए फी थ्री प्लस, ए यू थ्री प्लस, सी ओ टू प्लस, एन आई टू प्लस, एच जी टू प्लस और एस एन टू प्लस। और मोस्टली ये जो पॉजिटिव रेडिकल्स रहते हैं ना, यही सारे बेसिक रेडिकल्स रहते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। तो देखो नेक्स्ट है बेसिक रेडिकल्स, तो सेम ही देखो सेम आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिक ये सारे बेसिक रेडिकल्स है जो मोस्टली यूज होते हैं, जैसे ये एन ए प्लस, ए फी टू प्लस, ए जी प्लस, ए एल थ्री प्लस, सी आर थ्री प्लस, ए फी थ्री प्लस, ए यू थ्री प्लस, सी ओ टू प्लस, एन आई टू प्लस, एच जी टू प्लस और एस एन टू प्लस। नेक्स्ट है कंपोजिट रेडिकल्स। कंपोजिट रेडिकल्स मीन दो जो मैटर्स है उनका कॉम्बिनेशन, जैसे कि SO4 टू माइनस, NH4 प्लस, HCO3 माइनस, HS04 और NO4 माइनस। नेक्स्ट मेटल विथ वेरिएबल वैलेंसी, जिनके वैलेंसी वेरिएबल है मीन्स एक नहीं एक से ज्यादा है, उसे बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे देखो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस है, मर्क्यूरी की 1 प्लस 2 प्लस है, Fe की भी क्या है 2 प्लस 3 प्लस। नेक्स्ट बाय वैलेंट एसिडिक रेडिकल्स, बाय वैलेंट दैट मीन्स जिसकी वैलेंसी 2 है, दैट इज एसओ टू माइनस, ओ टू माइनस, ए सी टू माइनस। नेक्स्ट ट्राई वैलेंट बेसिक रेडिकल्स, जिनकी वैलेंसी कितनी है 3 है, दैट इज ए एल थ्री प्लस, सी आर थ्री प्लस, ए फी थ्री प्लस और ए यू थ्री प्लस। नेक्स्ट है राइट द सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट एंड द रेडिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम देम एंड इंडिकेट द चार्ज ऑफ द रेडिकल्स। तो देखो मर्क्यूरी, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कॉपर, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन एंड और ऑक्सीजन का हमें उनका रेडिकल्स बताने। तो देखो मर्क्यूरी का सिंबल है एच जी और मर्क्यूरियस और एच जी प्लस, ऐसे हम उसका रेडिकल्स लिखते हैं। देन पोटेशियम के, पोटेशियम के प्लस, नाइट्रोजन का एन है सिंबल, तो एसिडाइज रहा तो उसे बोलते हैं एन थ्री माइनस, नाइट्रेट रहा तो एनओ थ्री माइनस और नाइट्रिट एनओ टू माइनस, कॉपर का कॉपरस सी यू प्लस, सल्फर का है सल्फाइड एस टू, सल्फेट किया तो एसओ फोर टू माइनस और सल्फाइड एसओ थ्री टू टू माइनस, कार्बन का कार्बाइड सी माइनस और ट्रिपल कार्बन सी एच टू, देन क्लोरीन का क्लोराइड सी एल माइनस एंड ऑक्सीजन का वो ऑक्साइड ओ टू माइनस। नेक्स्ट राइट द स्टेप्स इन डिडक्टिंग द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दे उसका हमें रेडिकल फॉर्मूला उनको बताना है, केमिकल फॉर्मूले बताने। जैसे कि पहला है सोडियम सल्फेट, तो सिंबल क्या है सोडियम का एन ए और सल्फेट का है एसओ फोर, तो जो एन ए है सोडियम की वैलेंसी कितनी 1 है, एसओ फोर की कितनी है 2, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना होता है। तो क्या हो जाएगा एन ए टू एसओ फोर, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या मिल गया फॉर्मूला एन ए टू एसओ फोर। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट तो सिंबल पोटेशियम का के, नाइट्रेट का एनओ थ्री, तो पोटेशियम की वैलेंसी रहती है 1, नाइट्रेट की कितनी है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा KNO3। नेक्स्ट है फेराइट फॉस्फेट, तो F का वैलेंसी है 3 और PO4 का भी 3 है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा FePO4, क्योंकि ये 3 है ना तो कॉमन हो गया तीनों में, अगर हम तीन डिवाइड करेंगे तो FePO4 हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO, तो Ca का जो वैलेंस है वो 2 है, ऑक्साइड का भी 2 है, अगर फिर से क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2Co2O2, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा CO2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो AlOH, तो Al का 3 है, OH का वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा AlOH3। ओके, तो यहाँ पे देखो AlOH3 आ गया। नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन यूर आंसर, एक्सप्लेन द मोनोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट सोडियम। मोनोवैलेंसी हमें जो है वो एक्सप्लेन करनी है सोडियम की। देखो सोडियम इज अ मेटल विच हैज एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सो इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, क्योंकि जो शेल्स रहते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 आएगा, सेकेंड शेल में 8, तो 10 हो गया, तो लास्ट शेल में कितना बचा 1 बचा, सो इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन सोडियम प्रीफर टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या करेगा उसको स्टेबल करने के लिए खुद का एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, लूज कर देगा, हेंस वी से दैट सोडियम हैज अ वैलेंसी ऑफ 1 एंड इज द मोनो वैलेंस। नेक्स्ट है एम इज अ बायवैलेंट मेटल, राइट डाउन द स्टेप टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इट कंपाउंड्स
फॉर्म विद द रेडिकल सल्फेट एंड फॉस्फेट. तो देखो एम इज बाय वैलेंट मेटल दैट इज एम टू प्लस. ओके तो सल्फेट का अगर करेंगे तो एसओ फोर हो जाएगा. तो एम की वैलेंसी है टू, एसओ फोर की टू. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिल जाएगा एम एसओ फोर. और नेक्स्ट है देखो पीओ फोर, तो पीओ फोर की वैलेंसी थ्री है और एम की वैलेंसी टू है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एम थ्री पीओ फोर टू. ओके तो ये हमें फॉर्मूले मिल गए, केमिकल फॉर्मूले मिल गया. अभी नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नीड फॉर अ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट टू रेफरेंस एटम्स. देखो मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की समेशन रहती है. सो द नंबर पी प्लस एन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास नंबर. जो भी एडिशन रहती है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वो एडिशन को बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर. एज वी नो दैट एटम इज वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही स्मॉल रहती है उसकी साइज. देन हाउ टू डिटरमाइन इट्स मास, देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. इनिशियली हाइड्रोजन एटम बीइंग लाइटेस्ट वॉज चूजन एज अ रेफरेंस एटम. द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वॉज एक्सपेक्टेड एज अ वन. तो क्या एक्सेप्ट किया था कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव मास है वन है और उसे हमने एज अ रिलेटिव एटम चूज किया था क्योंकि वो सबसे लाइट था. दिस इज हाउ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट वेयर डिटरमाइन इन रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन. फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो इसलिए हाइड्रोजन का वन है तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 14. फाइनली कार्बन वॉज सिलेक्टेड एज अ रेफरेंस एटम. बाद में क्या हुआ, कार्बन को सिलेक्ट किया गया एज अ रेफरेंस एटम. रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम वॉज एक्सपेक्टेड एज अ 12. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर टू कार्बन एटम बिकम्स 10 into 1 by 12 is equal to 1. Okay. Next, what is mean by unified atom mass? So the unified atom mass unit or delton is a standard unit of mass. ये unit एक mass का standard unit है that quantifies mass on an atomic or molecular scale. One unified atomic mass unit is approximately equivalent to 1 gram per molecule. And it is denoted by symbol 1U or delton ka DA. Explain with example what is mean by mole of a substance. To mole kya rehta hai, wo hume explain karna. One mole is defined as the amount of substance containing as many elementary entities. Means one mole kise define karte hai, jo substances rahe, unme amount of substance containing the many elementary entities. Jaise ki atoms ho gaya, molecules, ion, electron, radical, in sab ka kya ho gaya? कॉम्बिनेशन, ये कितने मात्रा में उसमें अवेलेबल है. एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 इन ब्रैकेट 6.023 इंटू 10^23. सो द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. तो मोस्टली वो किस में एक्सप्रेस होता है, ग्राम्स में. सो मोल डिफाइंस द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी है, ये मास से डिफाइन होता है. सो वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑलवेज कंटेन 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स नो मैटर व्हाट दैट सब्सटेंस इज. वो कौन सा सब्सटेंस है वो मैटर नहीं करता, बट हमेशा वन मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 6.022 इंटू 10^23. देयरफॉर वी कैन से दैट वन मोल ऑफ पोटेशियम एटम कंटेन 6.022 इंटू 10^3 पोटेशियम एटम्स. पोटेशियम आयन्स भी बोले तो भी हम वही बोलेंगे, 6.22 इंटू 10^23 पोटेशियम आयन्स. वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एच कंटेन 6.022 10^23 हाइड्रोजन एटम्स. एंड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एच टू कंटेन 6.022 इंटू 10^23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, डिडक्ट देयर फॉर्मूला, डिडक्ट देयर मॉलिक्यूलर मासेस. देखो यहाँ पे पहला दिया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट. तो मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट. तो देखो 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 तो टोटल कितना हो गया 142 ग्राम. नेक्स्ट है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट. तो 2 इंटू 39 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 तो कितना हो गया 138 ग्राम. ओके नेक्स्ट है CO2 कार्बन. तो कार्बन का यहाँ पे क्या है 12 है और ऑक्सीजन का 2 तो 2 इंटू 16 कितना हो गया 44 ग्राम. आया ना समझ में कैसे, देखो फिर से बताती हूँ. Na2 नाइट्रोजन का 23 इंटू 2 हो गया, S का कितना है 32 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 4 इंटू 16 तो 1 यहाँ पे क्या हो गया 142 ग्राम.
यहाँ पे फोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फोर है। यहाँ पे टू क्यों आया, क्योंकि एन ए टू है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो गया। जितना यहाँ पे रहेगा नंबर उतने से उसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे के टू सी ओ थ्री, देखो के टू तो टू है, तो टू से मल्टीप्लाई होगा इंटू 39, देन सी का 12 और ओ का 16 इंटू 3, इस तरह से। और उसकी एडिशन करनी है, जैसे सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड सेम 12 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16। देन एम जी सी एल टू, एम जी का है 24 प्लस सी एल टू, तो सी एल का कितना है 35.5, तो इंटू 2 किया तो ये एडिशन कितनी हो गई 95 ग्राम। देन नेक्स्ट एन ए ओ एच, तो एन ए का है 23, ओ का है 16, हाइड्रोजन का है 1, तो टोटल एडिशन हो गई 40 ग्राम। नेक्स्ट ए एल पी ओ थ्री, तो एल्यूमिनियम का है 27, पोटेशियम का 31, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे ओ फोर है इसलिए 16 इंटू 4, तो कितना हो गया 122 ग्राम। एंड नेक्स्ट एन एच सी ओ थ्री, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 23, एच का 1, सी का 12 और ओ का 3 इंटू 16, तो कितना हो गया 84 ग्राम। नेक्स्ट है द सैम्पल्स एम एन एन ऑफ स्लैक लाइम वेयर ऑब्टेन फ्रॉम टू डिफरेंट रिएक्शंस, द डिटेल अबाउट देयर कंपोजिशन आर एज फॉलोज। तो सैम्पल एम 7 ग्राम है, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑक्सीजन 2 ग्राम, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कैल्शियम 5 ग्राम, सैम्पल एन मास 1.4 ग्राम, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूट 0.4 ग्राम, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कैल्शियम 1.0 ग्राम। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डज दिस प्रूव एंड एक्सप्लेन। देखो आउट ऑफ ऑल द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दे दिस इज प्रूव बाय लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट द प्रॉपर्टी बाय वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन वेरियस सैम्पल ऑफ कंपाउंड इज मिक्सड इन टू रेशियो। जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन का लॉ है वो क्या बताता है कि जो प्रोपोर्शन है वेट का, बाय वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स इन वेरियस सैम्पल्ड ऑफ कंपाउंड इज मिक्सड इन रेशियो। जो भी है वो सारा जो मिक्सिंग होता है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही रहता है। जैसे कि देखो इन अ सैम्पल एम रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के कितना है 5H2 2, सो कैल्शियम का 5, ऑक्सीजन का 2। फॉर एग्जांपल इन सैम्पल एम द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम एज ऑक्सीजन इज 1.0:0.4, तो 1.0 and 0:4 दैट मीन्स 10:4, तो कितना हो गया 5H2 2। On simplifying the ratio proportion by mass, we get the same value which verifies the law of constant of proportion. नहीं देखो sample M में भी वही था 5H2 2, okay? देखो यहाँ पे कितना है oxygen 2 है, calcium ये है, तो 5H2 2 हो गया, right? और उसका जो total sample mass है वो 7 ग्राम है, तो उसको divide कर दिया ना 5 और 2, तो 5H2 2 हो गया। sample N कितना है यहाँ पे 1.4 है, तो oxygen का है 0.4, कैल्शियम का है 1.0, तो 1.0 प्लस 0.4 करेंगे तो 1.4 ही हो रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट को करने के लिए हम उसको 10 से डिवाइड करते, 10H2 कितना हो जाएगा 4, 10H2 4, दैट मीन्स वो हो गया 5H2 2, तो सेम ही है। इसलिए ये वेरीफाई होता है कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन वो हर एक में सेम ही रहता है। नेक्स्ट, डिडक्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन गिवन क्वांटिटी। देखो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 90 ग्राम वाटर, तो फर्स्ट देखते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स इन ऑक्सीजन कितने हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स 32, अपन मॉलिक्यूल मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, तो ये आंसर आ गया 1 मोल, ये आ गया। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ होल इन वाटर इज मास ऑफ वाटर इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर इन ग्राम कितना है 90 ग्राम जो यहाँ पे लिखा है, और मॉलिक्यूलर कितना है 18 है, तो ये आंसर आ गया 5 मोल्स, बिकॉज 85 90 होता है। तो मोल्स ऑफ H2O कंटेंट, H2O मीन्स वाटर, तो 5 × 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूलर, सो आंसर आता है 30.11 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है 8.8 ग्राम ऑफ CO2, तो मास ऑफ मोल इन CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो 8.8/44 कितना हो जाएगा 0.2 मोल्स, तो 0.2 मोल्स ऑफ CO2 कंटेन 0.2 × 6.022 × 10^23, तो आंसर क्या आ गया 1.2044 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। और लास्ट है 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो नंबर ऑफ मास इन क्लोरीन इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, तो 7.1/71 कितना हो गया 0.1 मॉलिक्यूल, सो 0.1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 कंटेंट
पॉइंट वन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 इंटू 10^23, तो आंसर क्या आएगा, 0.6022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल। अभी नेक्स्ट है, इफ 0.2 मोल्स ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ दो सब्सटेंस शुड बी टेकन। यहाँ पे कुछ ऑक्साइड्स दिए, उसका हमें पता नहीं, कुछ सब्सटेंस दिए तो कितना ग्राम लगेगा वो हमें बताना है। वहां पे देखो तो सोडियम क्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंसेस। तो मोलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटॉमिक मासेस। तो सोडियम क्लोराइड में क्या है, NaCl है, तो Na का 23 है और Cl का 35.5, तो टोटल मोलर मास कितना हो गया, 58.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने है, 0.2 है, और हमें मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो x अपॉन 58.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.7 ग्राम। सो वी नीड 11.7 ग्राम ऑफ NaCl फॉर ऑप्टेनिंग द 0.2 मोल्स ऑफ NaCl। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, MgO 24 + 16 कितना हो गया, 40 ग्राम पर मोल, और हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है कितने, 0.2 है, तो हमें मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो x अपॉन 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। तो हमें कितना लगेगा, 80 ग्राम ऑफ MgO फॉर ऑप्टेनिंग द 0.2 मोल्स ऑफ MgO। और नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो मोलर मास क्या है, CaCO3, तो Ca का है 40, C का है 12 प्लस O3, तो 3 × 16 हो जाएगा, तो ये टोटल एडिशन कितनी हो गई, 100 ग्राम पर मोल। तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ मोल पता है दैट इज 0.2, और मास निकालना है अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास है 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100 × 0.2, तो 20 ग्राम हो गया। सो वी नीड 20 ग्राम ऑफ CaCO3 फॉर ऑप्टेनिंग 0.2 मोल्स ऑफ CaCO3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया है। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।